नमस्ते, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। तो क्या हाल से, केम छो, मजे में दोस्तों? दोस्तों आप अभी मजे में? दोस्तों अभी सुबह के बज चुके हैं 10 और अभी हम मनाली होटल रूम में हैं। यह अभी पैकिंग सब रेडी हो चुकी है। देखो दिलीप और सब बाहर गए हैं, वो बाइक की कोई कुछ मेंटेनेंस करवाना था तो बाहर खड़ा है, वो मेरा वेट कर रहा है। तो आज का ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट। दोस्तों अपना ये डेली ब्लॉग आता है अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों अगर कोई नया यूट्यूब चैनल अगर दोस्तों कोई नया सब्सक्राइबर जुड़ा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ रोज़ इस चैनल पे रोज़ वीडियो आएंगे, 11-12 बजे के बीच में वीडियो आ जाएंगे। तो दोस्तों इस चैनल के साथ बने रहो और हमारा ये ट्रिप इंजॉय करो। दोस्तों अभी आज मनाली से निकलेंगे लेह के लिए, देखते हैं कहाँ तक पहुँचेंगे। अभी जा रहे हैं मार्केट, आपको मॉल रोड और सब कुछ दिखाते हैं, चलो। गाइज अभी हम होटल से निकल चुके हैं और अभी मनाली से हमें एक तो लेना है सिम कार्ड लेके फिर निकलते हैं मनाली से। आज का डिस्ट्री हम शायद शिशु स्टे कर सकते हैं, शिशु तक यहाँ से 40-50 किलोमीटर है, तो वहाँ तक देखते हैं आगे जितनी जर्नी हो और आते हैं। यह है मनाली होटल से निकलने का रास्ता, यहाँ से जाना पड़ेगा नहीं दाइन बड़े दाल बस इतनी देर लटके हम बीते या रात हम मॉल रोड गया ने अरे चले आए तो हाजी है तो से मन खाए बड़ पपड़े आ वा कोनो वार दा कोनो वा ले लो हां ले भाई जी। है दिन में मॉल रोड का नज़ारा देख सकते हो, यह है मॉल रोड। किस साइड है मनु मार्केट? इधर हम जा रहे हैं अभी, ये मनु मार्केट। मनु मार्केट से लेना है हमें कैंपिंग और का सामान। ये आगे ये इधर अगर मनाली से कहीं से लेना हो सामान तो मनु मार्केट से मिल जाता है। अपन क्यों लेना ध्यान ही कौन तो के अड पड़ लेना है ट्रैक सॉफ्ट। गाइस अगर आप मनाली आते हो, आपको कोई भी कैंपिंग की कोई ज़रूरत हो, कोई भी कैंपिंग का सामान चाहिए तो ट्रैक शॉप नाम से है मनाली मनु मार्केट में। ये कौन सा ये सर मिलेंगे शॉप पे, ये कार्ड भी मैं डाल दूंगा, यहाँ से आप लेके परचेज कर सकते हो। यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, यहाँ पे कैंपिंग का सब गैजेट मिल जाते हैं, स्लीपिंग टेंट और सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे। कैंपिंग का सारा सामान मिल जाता है तो जरूरत वाले हो तो यहाँ से ले सकते हो। कोई टॉर्च है कि छोटी सी को कैंपिंग के लिए? आज ये मॉल रोड दिन के टाइम पे देख सकते हैं मॉल रोड, और अपना हेलमेट टूट गया है, हेलमेट सही करवाते हैं। मॉल रोड का नज़ारा देख सकते हो दिन में इस तरह। हम निकलते हैं अपनी बाइक के पास, बाइक अपनी खड़ी की थी BSNL ऑफिस के पास में, तो वहाँ से गाइज अभी हम ये माल रोड के पास से निकल रहे हैं मनाली से। आज का स्टे आगे देखते हैं कहाँ तक होता है। ये कुछ ऐसा नज़ारा है मनाली का, हमारा ये ग्लास टूट गया, इसको फेविकिक से चिपकाएंगे आगे, देखते हैं। Thank you.
सर्राटेदार गाड़ी चल रही है, हम तो आराम से धीरे धीरे चल रहे हैं क्योंकि हमें धीरे धीरे चलना है, तेज भागना नहीं। सोलांग वैली है 5 किलोमीटर, अटल टनल है 17 किलोमीटर, ले है 421 किलोमीटर, रोहतांग दारचा बारलाचा 137, इधर से जाना पड़ेगा। ये है सोलांग वैली और इधर रोपवे है, आगे देख सकते हो, और ये तो बहुत ज़्यादा क्राउड है सोलांग वैली में, और ये यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ हो रही है देख सकते हो आप। गाइज अभी हम अटल टनल से 5 किलोमीटर पहले हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टीप चढ़ाई है, और अभी यहाँ पे दिलीप और अंकल जी ले रहे हैं यहाँ से ग्लव्स ले रहे हैं, क्योंकि दिलीप के पास में ग्लव्स नहीं थे ठंडी से बचाने के लिए और वाटरप्रूफ नहीं है। दूसरे वाले हैं जो राइडिंग वाले हैं वो गिले हो रहे हैं, तो उसकी वजह से हाथ ठंडे हो रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम है और बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, और इन यहाँ पे इन गाड़ियों में देख सकते हो आप, यहाँ पे स्वेटर और जो ठंडी से बचाने का सारे सामान यहाँ से मिलते हैं, तो यहाँ से ले सकते हो बीच में। ये देखो सामने देख सकते हो, ये रोहतांग पास होके आता है रास्ता, नहीं इधर से रोहतांग पास होके जाता है रास्ता, आता नहीं, यहाँ से आप रोहतांग पास होके जा सकते हो, और यहाँ पे अभी जब जिस रास्ते हम जा रहे हैं ये रास्ता जाता है अटल टनल होके जाता है रास्ता। गाइज जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम अभी अटल टनल पहुंच चुके हैं और हमारे साम पीछे देख सकते हो ये अटल टनल का गेट है। इस गेट पे चेकिंग वेकिंग होती है गाड़ियों की, जिस पे कोई डाउट हो तो इस यहाँ से चेकिंग होती है और यहाँ से फिर पास किया जाता है। हमारे पास है बैग में 2-3 बूटेन गैस के कैन, और इन कैनों को देखते हैं आगे चेकिंग में निकाला जाएगा क्या करेगा। तो गाइज अभी हम अटल टनल पहुंच चुके हैं और अभी अटल टनल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि अटल टनल भारत में हिमालय की पूर्वी पीर पंजाल रेंज पर स्थित है। अटल टनल की सुरंग है जो 3000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर स्थित है, दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। बता दें कि सुरंग को रोहतांग सुरंग या अटल टनल रोहतांग के रूप में भी जाना जाता है। अटल टनल सुरंग का नाम पूर्व प्रधानमंत्री भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। यह चुनौतीपूर्ण सुरंग है जो 479 किलोमीटर लंबी लेह मनाली राजमार्ग का हिस्सा है। अटल टनल मनाली और लेह के बीच यात्रा के समय और दूरी को कम करती हैं। इस सुरंग के खुल जाने के बाद मनाली से लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो गई है। अटल टनल सुरंग के बारे में और भी जानकारी पाने के लिए दोस्तों आप हमारे डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो और आगे का वीडियो देखें और एंजॉय कीजिए दोस्तों। हमें इस सुरंग में ऐसे गाड़ियां भी ओवरटेक कर रही है, इस सुरंग में ऐसे आवाज़ मतलब गूंज रही है ना, जैसे लाउड स्पीकर में गाड़ियां साइड से जाती है, बहुत ज़्यादा डर लगता है। लेकिन इस ये है कि इसमें बहुत लाइटें लगी हुई इसलिए रोशनी हो, तो इतना डर नहीं लग रहा। आगे ऐसे ऐसे वीडियो देखे रहिए दोस्तों। अभी हम अटल टनल का दूसरा द्वार पार करने वाले हैं और बाहर की साइड जाने वाले हैं। देख सकते हो बहुत अच्छा नज़ारा है दूसरी साइड भी, तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ में। ये गेट्स सर्दियों में बंद किए कर दिए जाते हैं जो पीछे आपने देखे वीडियो में, और अभी ये है देखो, वाह शानदार नज़ारा।
अभी हमारा के वाटर प्रूफ में वाटर प्रूफ केस है, उसमें डाला हुआ है गोप्रो, इतनी अच्छी वहाँ की वॉइस नहीं आ रही, तो ये मैं वॉइस ओवर करके डाल रहा हूँ। अभी गाइज हम अटल टनल के दूसरी साइड आ चुके हैं। तो दोस्तों ये वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है, मनाली में क्या क्या किया वो सब कुछ दिखा कर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए हमारे दूसरे वीडियो की तरफ। दूसरा वीडियो आने वाला है जिसमें हम लेह के लिए रवाना हो रहे हैं और यहाँ से आगे की जर्नी दिखाएंगे। तो अटल टनल से निकलते एक ब्रिज भी आता है, तो थोड़ा आगे हम रुकते हैं और थोड़ा फ़ोटो वोटो ले लेते हैं, एंजॉय करते हैं थोड़ा, फिर चलते हैं यहाँ से। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। तो वीडियो में बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, और लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए दोस्तों कि हम क्या गलती कर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं आ रही। तो अगले वीडियो में हम वो उस गलती को सुधारने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।